राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 6 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3 किलोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी 11 किलोग्राम। राइट आंसर विल बी पिंटो, ऑप्शन नंबर डी 11 किलोग्राम। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल 11 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 100 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 2000 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 1500 मिलीलीटर एंड ऑप्शन डी 500 मिलीलीटर। तो प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? तो वो 1500 मिलीलीटर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1500 मिलीलीटर। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी वागिना में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी क्लाइटोरिस में। राइट आंसर विल बी हैपन टू, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय में। मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण गर्भाशय में होता है, आरोपण गर्भाशय में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गर्भावस्था की शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन ए कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी डेसिड्यूआ, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी अम्ली लाइकश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का पता लगाना, ऑप्शन बी किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को रोकना, ऑप्शन सी माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्रसव पूर्व के पश्चात देखभाल का उद्देश्य है उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का पता लगाना तथा किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकना एंड माता को स्वास्थ्य